हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हैश ब्राउन की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही जल्दी से बन जाती है और इतनी क्रिस्पी बनती है कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है। चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। हैश ब्राउन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है बटर, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो, नमक, मैदा, कॉर्नफ्लोर, चीज़, कुटी हुई काली मिर्च और ग्रेट किया हुआ मैंने यहाँ पर आलू लिया है 5। आलूओं को ग्रेट करके मैंने इसे पानी में डुबो के रखा है, वरना ये काले पड़ जाते हैं। इन आलूओं को आप पानी में से निकाल लेते हैं और इसे किसी कॉटन के कपड़े में डाल करके पूरे पानी को ड्रेन आउट कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से निचोड़ करके निकाल देना है। इस तरह से निचोड़ करके इसका पूरा पानी निकाल लेना है। अब इन आलूओं को हमें 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाला और उसमें ग्रेट किए हुए आलू को डाल करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हमें रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका हल्का कच्चापन ख़त्म हो जाए। पूरी तरह से इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का कच्चा रहने देना है ताकि क्रंच बना रहे। दो से तीन मिनट बाद इसे अब हम निकाल लेंगे अलग बाउल में। मैंने आलूओं को यहाँ पर जो ग्रेटर होता है उसमें 2 तरह के होल होते हैं, एक बड़े वाले एक मीडियम वाले, तो मैंने मीडियम वाले से ग्रेट किया था। अब इसमें सीजनिंग ऐड कर देते हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, फिर ऐड कर देंगे सीजनिंग में, यहाँ पर मैंने लिया है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमें कम पड़े तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें 1 चीज़ क्यूब भी ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। सभी चीज़ों को डालने के बाद हाथों से अच्छी तरह से मैश करते हुए इसे हमें मिक्स करके एक डो फॉर्म में लाना है। इस तरह से अब ये बन रहा है, यानी कि इसमें और कॉर्नफ्लोर और मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बस हमारा मिक्सचर रेडी है। हाथों में तेल लगाएंगे और हैश ब्राउन का हमें शेप देना है यहाँ पर। मैंने इस तरह से हैश ब्राउन का शेप दे दिया है पूरे मिक्सचर को। अब हमारा हैश ब्राउन फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तेल को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, अब हमें मीडियम फ्लेम रखना है और इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई कर लेना है। हमारे हैश ब्राउन दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। सभी हैश ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है, ये बहुत ही क्रिस्पी होती है, इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।